Hello friends, welcome back to our YouTube channel opto So today topic is about chalazion. A chalazion is also known as the tarsal or mean cyst. It is a type of fluid-filled lump on the upper or lower eyelid. A chalazion is a painless lump that develops within the eyelid when an oil gland becomes obstructed or blocked. जो हमारा क्लिजन होता है ये कब होता है जब हमारी जो ऑयल ग्लैंड हो जाती है जब वो बंद हो जाती है तो उस टाइम हमारी जो आईलिड होती है उस पर एक लंप बन जाता है वो जो ये लंप होता है ये हमारी अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड दोनों पे बन सकता है इनसाइड एंड आउटसाइड एंड डेट टाइम जो ये लंप होता है ये हमारा बिल्कुल पेनलेस होता है आइज़ पर स्वेलिंग हो जाती है एंड समटाइम्स इसमें थोड़ी रेडनेस हो जाती है साइंस एंड सिम्टम्स साइंस में हमारे क्या क्या आता है कि फर्स्टली एक पेनलेस स्वेलिंग होती है जो कि अराउंड फोर टू फाइव एम एम होती है जो हमारी स्वेलिंग होती है आई I मीन mean, जो हमारा कलीजन होता है आप अगर कभी भी उसको टच करके देखेंगे तो वो आपको कुछ हार्ड सी महसूस होएगी इट टपियर्स रेड अगर ये जैसे कुछ ही टाइम से अराउंड आपको फोर टू फाइव साइड से तो जस्ट ऐसे हल्का सा आपको ऐसे कुछ रेड टाइप में दिखेगी बट जब आप इसको टच करते हैं तो हार्ड महसूस होएगा एंड इसमें कोई पेन नहीं होता है एंड एंड इफ इट इज लौक स्टैंड लेसन डेंट इट अपीय ग्रे नाउदार सिम्टम्स सिम्टम्स में हमारा फसल मेन कॉमन ही रहेगा कि जो हमारे क्लेजियन होता है वहाँ पर पे वो पेनलेस स्वेलिंग होती है हेवीनस हो जाती है हमारे आई लिड पर क्योंकि जो ये हमारा लैंप होता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एंड उस करके हमें आई पी एस से भारीपन सा महसूस होता है रेडनेस ऑफ कंजक टाइप का रेडनेस इस करके कि अगर हम जैसे वन ईयर टू डेज या इस नॉर्मल बट जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे यहाँ पे थोड़ी रेडनेस होने लगती है एंड जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसे रडक भी महसूस होती है इट मीनस इरीटेशन इंक्रीज ट्ग थोड़ा वोटिंग प्रॉब्लम आता है एंड स्लोली प्रोग्रेसिव इट मीन्स जैसे अगर आप इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते अराउंड फोर टू फाइव डेज में या फर्स्टलीफ फर्स्ट वीक में तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे थोड़ी बड़ी होती है और ये थोड़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है नाउ द कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस में जो सबसे मेन रहता है वो होता है एस्टिंगमेटिजम अब क्वेश्चन ये आता है कि एक कलेजन एस्टिग कैसे कर सकता है क्योंकि जो हमारा कलेजन कलेजियन का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है जिस करके मान लेते हैं हमारी अपर आई है फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अपर आई लेडर यहाँ पर हमारा कलेजियन हो रखा है तो एक कलेजियन के करके जो हमारा कॉर्निया होता है इस पर प्रेशर पड़ता है एंड उस प्रेशर के करके हमें कॉर्नियल एस्टिक मेटिजम हो जाता है द सेकेंड वन इज लॉस ऑफ आई एंड कई बार इससे जैसे अगर ये ज़्यादा टाइम से है तो आई पे भी मतलब इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमारी आई थोड़ी बहुत टूटने लगती है मल्टीपल कलेजियन होने लगते हैं मतलब जै फॉर एग्जाम्पल जैसे जिस साइलिड पे एक कलेजन है उसी पे एक दो और छोटे छोटे कलेजन होने लगते हैं इन्फेक्शन और कलेजन अगर ज़्यादा टाइम है अब जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए कोई भी इन्फेक्शन अगर वो टाइम पे ना होए ठीक तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करता ही है ना उस चीज़ को बढ़ाता भी है तो सेम हमारा कलीजन भी ऐसे ही होता है सिस्ट फॉर्मेशन मतलब जो हमारी कलेजन होती है वो हमारे सिस्ट बन जाते हैं जो कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था ट्रांसलोट मेम्बोमियन सिस्ट नाउ कम्स टू द ट्रीटमेंट जो सबसे फस्ट ट्रीटमेंट रहता है वो हम हमारा रहता है वोम कंप्रेस फर्सली हम अपनी जो भी हमारा क्लीजन होता है उसको हम एंटीबायोटिक वोम कंप्रेस और सटीरोड से ठीक करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्टली वोम कंप्रेस रहेगा वो आपको आई मीन I mean, शुरुआत के फर्स्ट वीक में अराउंड फोर टू तो फाइव डेज रखना पड़ेगा एंड टाइम्स भी फोर टू तो फाइव टाइम्स रहेगा सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर हाँ जो कलेजियन है वो काफ़ी टाइम से है एंड अगर वो नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो उस टाइम हम सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो फर्स्टली अगर स्मॉल इंसीजन है तो हम लोकल एंटीबायोटिक कैंसर टीरोड से उसको ठीक करने की कोशिश करेगी मार्जिनल कलेजियन है तो स्क्रैपिंग फ्रॉम द लेट मार्जिन मोटेड लार्ट क्लेजन इन विच वर्टिकल इंसीजन एंड क्विस्टीज टू द कंजटाइबल साइड तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की आई है हम उसको जाइलोकेंड्रोप या पेराके थ्रू उसमें वन या टुआईट्रोप डालेंगे ताकि पेशेंट की आई थोड़ी सी सुन हो जाए आफ्टर डैट वी इन इनफिल्टेटेड विद द टू परसेंट ऑफ जाइलोकन आफ्टर डेट हम क्या करेंगे हम एक साथ ब्लेड के साथ एक कट करेंगे विच शुड भी वर्टिकल ऑन द कंजटाइबल साइड एंड होरिजोनटल ऑन द सेकेंड साइड आफ्टर डेट कंटेंट आर कुरेटेड आउट विद द हेल्प ऑफ अ क्लेरियन स्कोप एंड देन वी कार्बोपोलिक एसिड कोटरी फोलोड बाय द न्यूट्रलाइजेशन विद मिथाइलेटेड स्प्रिड शुड बी परफॉर्म इन द कैटी टू अवॉइड रिक्रेंस इट मींस हम अंदर से कट लगा के उसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देंगे ताकि जो कलीजन है वो फिर से ना होए एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस हम आई को पैच कर देंगे अराउंड फोर टू सिक्स टू ट्वेल्व आवर्स बाद एंड आफ्टर डेट हम पेशेंट को कुछ अपनी एंटीबायोटिक आई टोप देंगे कुछ और इंफ्लामेटरी मतलब कुछ खाने की मेडिसन्स एंड पेशेंट को कहेंगे कि आफ्टर द प्रोसेस उन्होंने अपना वोम कंप्रेस स्टार्ट रखना अराउंड वन वीक जिससे कि जो कलीजन है वो दोबारा होने के चांसेस ना हो तो डेट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ अ कलेजिन थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बाय बाय